नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। भाई और बहन के अटूट प्रेम के बंधन के रूप में मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार आज रीवा के केंद्रीय जेल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनों के लिए जेल के दरवाजे सुबह से ही खोल दिए गए हैं। वृद्ध महिलाओं से लेकर बच्चियों तक भाई को राखी बांधने जेल में सब पहुँच रही हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय के द्वारा सभी बंदियों, भाई एवं उनकी बहनों के लिए इस भीषण गर्मी व बारिश के मौसम को देखते हुए छाव व पीने के पानी की व्यवस्था, रक्षा सूत्र बांधने के लिए थाली और टीके की व्यवस्था रीवा जेल विभाग के द्वारा की गई थी। जेल विभाग के द्वारा पहले ही मीडिया के माध्यम से सभी बंदी भाइयों की बहनों से अपील की गई थी कि फल और 100 ग्राम तक की मिठाई और रक्षा सूत्र ही अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं, बाकी किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, पर्स, झोले ये सब अंदर वर्जित हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में जेल प्रशासन के द्वारा कड़े सुरक्षित व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से ही जेल में रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत हुई, जहां दोपहर 12 बजे तक लगभग 2500 से 3000 भाई बहन इस त्यौहार में शामिल हो चुके थे और शाम तक यह आंकड़ा 6000 तक पहुंचने की उम्मीद है। बताया गया कि 80 साल की वृद्ध महिला से लेकर 5 साल तक के छोटे बच्चे ही रक्षाबंधन के दिन जेल में अपने बंदी भाई से मिलने पहुंचे और जेल के अंदर 80 वर्षीय वृद्ध महिला अपने बंदी भाई को राखी बांधने पहुंची थी। बंदी भाई और 80 वर्षीय वृद्ध महिला की अटूट प्यार को देख जेल विभाग के अधिकारियों के आंखों में आंसू छलक पड़े। सुबह से ही जेल परिसर के बाहर का दरवाजा खुलने का बहनें बाहर इंतजार करती रहीं। इधर जेल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। जेल के अंदर ही पानी की व्यवस्था, छाव की व्यवस्था के साथ जेल प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। आज केंद्रीय जेल रीवा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया था, 8 बजे से बहनों की मुलाकात चालू कर दी गई है। इसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, सभी जगह अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं, तलाशी कराई जा रही है, बिना तलाशी की एंट्री नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उनको अपने साथ मोबाइल, पर्स, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी भी प्रकार का कोई हथियार, किसी भी प्रकार की कोई नशीली सामग्री आदि जो भी प्रतिबंधित या निषेध सामग्री है उसको लाने की परमिशन नहीं है। पूर्णतया तलाशी देने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। जिले वाइज पृथक पृथक काउंटर बनाए गए हैं और सभी माताओं बहनों को उसमें मुलाकात कराई जा रही है। उनके साथ 5 साल तक के बच्चों को अलाउ किया गया है, बाकी पुरुषों को प्रतिबंधित रखा गया, पुरुषों की एंट्री नहीं है। ऐसे समस्त जो सुरक्षा के मानदंड हैं उनका पालन करते हुए आज मुलाकात कराई जा रही है और अभी तक लगभग 1000 से ऊपर कैदियों की मुलाकात हो चुकी है, उसमें से लगभग 5000 के आसपास माताएं बहनें मुलाकात कर चुकी हैं।